जीटी रोड मंडेला मोड़ के पास पुल अंडरपास रोड के निर्माण कार्य को पूरा करने की मांग। स्थानीय लोगों के द्वारा जीटी रोड 6 लेन का चल रहे कार्य निर्माण को ठप कराया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुल अंडरपास का निर्माण कार्य का सिर्फ खानापूर्ति की गई है, इससे ग्रामीणों को आवागमन करने में परेशानी होती है। इस मांग को लेकर शनिवार को जीप सदस्य गजेंद्र महतो की अगुवाई में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। इसके माध्यम से पुल अंडर पड़े निर्माण कार्य को पूरा करने की मांग की गई। मामला बगोदर प्रखंड में मंडेला मोड़ का है। कहा गया है कि ग्रामीणों की मांग पर NHI और रोड निर्माण करा रही DBL कंपनी के अधिकारियों ने गंभीरता नहीं दिखाई, तब तक एक सप्ताह के बाद बाध्य होकर रोड निर्माण कार्य को ठप करा दिया जाएगा। जीप सदस्य गजेंद्र महतो ने कहा कि मंडेला मोड़ होकर गिरिडीह के अलावा हजारीबाग और बोकारो जिले के ग्रामीण भी ग्रामीण सड़क होकर आवागमन करते हैं। ऐसे में जीटी रोड 6 लेन का निर्माण कार्य होने से सड़क पार कर आवागमन करने में ग्रामीणों को न सिर्फ परेशानियां हो रही है बल्कि सड़क दुर्घटना की भी संभावना बनी रहती है। आपको बता दें कि मंडेला मोड़ के पास भी फूड ओवर ब्रिज बनाने की मांग ग्रामीणों के द्वारा की जा रही है, लेकिन यहां फूड ओवर ब्रिज की जगह पुल अंडर पास से ही ग्रामीणों को संतुष्ट करना पड़ रहा है। NHI की स्वीकृति के बाद जीटी रोड 6 लेन निर्माण कार्य करा रही DBL कंपनी के द्वारा ग्रामीणों के आवागमन की सुविधाएं के लिए मंडेला के पास पुल अंडर पास बनाया गया, मगर पुल अंडर पास का निर्माण जैसे तैसे कर छोड़ दिया गया है। पुल अंडर पास के लिए गार्डवाल तक नहीं बनाया गया है। इसके अलावा पुरानी रोड से उखाड़े गए मलबा से पुल अंडर पास का रोड बना दिया गया है। ये रोड यास चक्रवात की बारिश को भी नहीं झेल पाया और किनारे का हिस्सा बह गया, इससे लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों के द्वारा पुल के एक किनारे जिसमें अंडर पास रोड बनाया गया है उसमें पूरी तरह से दीवार दिए जाने वाले रोड एवं दोनों किनारों के गार्डवाल दिए जाने के साथ पुल अंडर पास रोड को PCCकरण किए जाने की मांग की गई है। कहा गया है कि पुल के एक छोर में रास्ता तथा दूसरे छोर में नाला है, बीच में दीवार नहीं रहने से बारिश का पानी और नाला का पानी अंडर पास रोड में भर जाता है, इससे आवागमन करने में परेशानी होती है। बगोदर से धर्मेंद्र पाठक की रिपोर्ट। 40 चैनल नंबर के सामने आज से 5 माह पूर्व माननीय विधायक बगोदर एक पत्र लिखे थे NHI को और ग्रामीणों का एक हस्ताक्षर किया था जिसमें यह मांग किया गया था कि VUP का एक व्यवस्था किया जाए, क्योंकि यह रास्ता जो मंडला पोखरिया होके आता है दर्जनों गांव को जोड़ता है यह रास्ता, और दो जिला है बोकारो और हजारीबाग के लोग भी आवागमन इस रास्ता से करते हैं। और इस मांग के सवाल पर जो है NHI को लिखा गया। NHI के अधिकारी जो निदेशक है वो आकर के स्थल पर जांच पड़ताल किए, उसने आश्वस्त किया था कि भाई हम VUP तो नहीं दे सकते लेकिन पुल के सामने से हम जो है अंडर पासिंग का व्यवस्था करेंगे, और इस रूप में DBL कंपनी को ग्रामीणों के समक्ष यह बात मौखिक रूप से सौंपा गया, उनको जिम्मा दिया गया। और अभी तक जो है वो 5 माह बीत गया लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। जो सड़क से उछाड़ा गया जो पीच है उस पीच को बिछा दिया गया है, पहला बारिश में ही वह पीच बह गया, लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस क्षेत्र के जनता के सवाल पर, यहाँ जो मांग है उस मांग के सवाल पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर NHI और DBL कंपनी इस पर अगर तत्परता नहीं दिखाया, गंभीरता नहीं दिखाया, तो हम लोग COVID-19 का जो गाइडलाइन है उसको रखते हुए हम लोग कड़ा इसका विरोध करेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस पर जो है NHI सुनवाई करे, अन्यथा हम लोग आंदोलन करेंगे।